Σε τι λέξε έχουμε σε το πίπεδο. Σε κανένα, κανένα. Κάτσε κανένα, δεν μπορεί να τα χαρτί. कमाल ना गाली करना अभी शबाज भाई क्या दे सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक्सप्लोरिंग साउथ पंजाब की एपिसोड 3 में मैं हाजिर हूं। आज हम आपको घुमाएंगे डेजर्ट चौलिस्तान और डिस्ट्रिक्ट रहीमगर खान का मेन शहर रहीमगर खान। तो सूरज निकलते ही हम घर से निकले थे, तो जैसे रहीमगर खान पहुँचे वहाँ से नाश्ता किया, उसके बाद रहीमगर खान से हम निकल रहे हैं डेजर्ट चौलिस्तान की जनब। तो अगर रहीमगर खान से हम डेजर्ट की जनब जाएँ तो दरमियान में बहुत सारी ऐसी तरक्की याफ्ता चीज़ें नज़र आपको आती हैं। ये सारी की सारी UAE की हुकूमत की तरफ से है। तो आपको पता है यहाँ पर शेख जैद महल भी है, पैलेस भी है, जो शेखों ने बनाए हुए हैं मुत्तहिद अरब अमारात के। तो रहीमगर खान की जितनी भी आप तरक्की देखें, कभी आप अगर आप यहाँ पर आएँ तो जितनी भी ये तरक्की है सारी की सारी जो मरहून मन्नत है UAE की हेल्थ की तरफ से वजह से है। तो यहाँ पर शेख जैद हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर सपोर्ट कम्प्लेक्स है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, अगर रहीमगर खान से हम डेजर्ट की जानब जाएँ तो दरमियान में जो है ना HH शेख खलीफा सपोर्ट स्टेडियम पाया जाता है और HH शेख खलीफा वोकेशनल इंस्टीट्यूट आपको पीछे नज़र आ रहा है। तो रहीमगर खान में मैंने कुछ ड्रोन शूट्स भी लिए हैं, लेकिन वहाँ पर ममनू इलाके जो है ना, इलाके की वजह से जो है ना ड्रोन जो है ना हवा में मुअल्लक हो गया और बड़ी मुश्किल से मैंने ड्रोन को बैक करके फिर नीचे उतारा। तो चलते हैं जी इस वक्त रहीमगर खान से डेजर्ट की जनब। मज़ीद बातें बहुत से मेरे व्यूज़ करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बातों को यहाँ पर रोकते हैं, चंद सीन्स दिखाते हैं आपको और चलते हैं डेजर्ट, और डेजर्ट में हम पहुँच कर जो है ना मिलेंगे। मेन गेट है, यहाँ पर जाना अंदर ममनू है। अगर जाना अगर अलाउ होता तो हम आपको ज़रूर घुमाते। ये जो नज़र आ रहा है आपको, बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये शेख जैद पैलेस है। ये काई मुरब्बा रकबा पर मुश्तमिल जो है ना ये पैलेस है। ये वाइट आपको को दीवार नज़र आ रही है, अगर हम जूम करें आपको नजर आ रहा है, ये जंगली जानवरों का पार्क है, हरन वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक मस्नूई जंगल जो है ना बनाया गया है ताकि मुख्तलिफ जंगली जानवर को जो है ना उनकी नशोनुमा की जा सके यहाँ पर। इस वक्त जी अल्हम्दुलिल्लाह हम डेजर्ट पहुँच गए हैं रहीमगर खान से। जब आप डेजर्ट की तरफ आते हैं
तो अगर आप बिल्कुल डेजर्ट में जाना है तो फिर भी आपको एंट्री करानी पड़ती है, और 50 किलोमीटर के बाद दोबारा आपको एंट्री करानी पड़ती है जब जहाँ पर जानवर जो है खुले घूम रहे होते हैं उनके लोकल लोगों की। तो इस वक्त हम हवाई अड्डे की तरफ जा रहे हैं जो वीएफपी बिल्कुल डेजर्ट की तरफ है, और अगर आप हवाई अड्डे की तरफ आएँ तब भी आपको एंट्री करानी पड़ती है, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात कि जब मैं पहली वीडियो जो मेरी थी एक्सप्लोरिंग साउथ पंजाब की एपिसोड 1, तो वो जो इलाका था तो वो बहुत उसमें सिक्योरिटी तहफ़ात थे, वो भी एक डेजर्ट का इलाका था, एक और ये डेजर्ट का इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल ज़ीरो हैं और क्राइम जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल पूरा अमन इलाका है। आप रात को आएँ दिन को आएँ यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी वारदात होने का कोई खदशा नहीं है। इस वक्त हम रनवे की तरफ गामजन है, यहाँ पर आगे कुछ पोस्टर नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं अभी कि ये पोस्टर जो है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत यूएई के नुमाइंदान के हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है ना शेख जैद पैलेस है, और इसके बाद करीब ही ये हवाई अड्डा है, और ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये जाती है पाक आर्मी के कैंप की तरफ, क्योंकि साथ ही पाक इंडिया बॉर्डर है, तो साथ नहीं तकरीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ पर मशकें भी हो रही हैं, आवाज़ें आती हैं तकरीबन 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद एक आध धमाके की जो है ना आवाज़ आती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस जो है ना जंगी मशकें जो है ना की जा रही हैं। तो पार्क आर्मी हमेशा जो है ना अपना, जैसे कुरान में कहा गया है, अपना इकबाल बुलंद रखा करें और तैयारी अपनी मुकम्मल रखें दुश्मनों के मुकाबले में। तो एक रोड जो जाती है बहुत दूर तलक जाती है, ये तकरीबन किला द्रावड़ से छोड़कर तकरीबन 20 किलोमीटर छोड़कर जो ना बड़ी दूर तक जो है ये रोड्स जाती हैं। तो हम आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से डेजर्ट शुरू हो जाता है, धमाके की आवाज़ आई। मैं आपको इस सहराई चौलिस्तान की कुछ दिलचस्प चीज़ें बताता हूँ। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर ज़रिया रोज़गार जो होता है ना, आमदन जो होता है, वो माल मवेशी होते हैं, और इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना अब आबाद भी हो गया। हुकूमत की पॉलिसी के तहत बहुत सारी ज़मीनें मकामी लोगों को दी गई थी, तो यहाँ के जो गरीब लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। तो माल मवेशी आपकी दिलचस्पी के लिए, यहाँ पर माल मवेशी जो है ना खुले जो है वो घूम फिर रहे होते हैं, मालिक अपना निशान लगा देते हैं अपने माल के ऊपर और फिर ये सहरा में छोड़ देते हैं, और कई कई महीनों बाद जो है ना वो आकर पता करते हैं। तो पानी भी, टोपी भी होते हैं, पानी भी पी लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो इस वजह से यहाँ पर आर्मी के कैंप हैं, और साथ ही जो है ना जैसे कि मैंने कहा तो सिक्योरिटी बार बार आर्मी वाले चेक भी करते रहते हैं। आमतौर पर ऐसे ही लोग बैठे होते हैं जैसे ये बैठे हैं, को मुँह हाथ धोने के लिए या कुछ। क्या हुआ है? दिखाओ, रेड हो गया तुम्हारा मुंह, रेड हो गया। इन्होंने मुंह धोकर बड़ी गलती की है, और जैसे इन्होंने मुंह धोया है तो क्या क्या खारिश हो गई है? नहीं, ऐसे ना
एलर्जी हो गई है और जैसे सोया नहीं चुभती उस तरह की फीलिंग हो रही थी। नहीं करते यार, कम से कम मुंह नहीं धोना चाहिए था। आप तो कार के अंदर बैठे थे, मिट्टी थोड़ा मुंह हो गया था यार। ये यहाँ के लोग तो पीते हैं पानी, हमने तो खाली मुंह धोया। नहीं पीते हैं यहाँ पर, वो थर के लोग पीते हैं जो दूर दराज के, जिनको पानी मयसर नहीं होता। यहाँ भी पीते हैं जहाँ हम चले थे उधर दूसरी साइड से। तो ये किस जगह बनी है पता नहीं यार। असल में अयूब और बिलाल भाई ने मुंह धोया था, शहबाज ने मुंह नहीं धोया था। तो जबरदस्ती इन्होंने जो है ना पानी गीले हाथ इसको लगाए हैं मुंह पे। मैंने लगाए भी, मैंने पानी भी नहीं लगाया। सर कान भी रेड हो गए हैं शहबाज, कान भी रेड हो गया है, नाक भी रेड हो गया है। अल्लाह हू अकबर। ये है जी वो खूबसूरत मस्जिद जो यूएई के तर्ज तामीर पर बनाई गई है। अभी हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको करीब अंदर से जो है वो दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम सहरा घूमकर वापस जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसी जगहें जो हमारा दिल कर रहा था कि आपसे शेयर करें, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है ना वो लिखा हुआ था और नो वीडियोस नो फोटो लिखा होता है। तो इस सब के बावजूद भी यहां पर इंसान को बहुत सुकून महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि इस सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल महफूज जगह है। तो दूर दूर तक, आज वैसे संडे है तो बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं और सहरा में जो है ना, सहरा में रंग लगे हुए हैं। बस सारी बात यही है कि ना, जहाँ पर इंसान को अमन महसूस होना तो कुदरती बात है, वहाँ पर इंसान को सुकून महसूस होता है। आप देखें अब डेजर्ट में जो है नौजवान जो है ना, ये काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 40 किलोमीटर होगा ना, 40-45 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर आकर जो है नौजवान आज जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो शहबाज भाई बताइएगा कि आपको कैसा लगा डेजर्ट में? माशाल्लाह हर तरफ शांति और सुकून महसूस हो रहा है। बिल्कुल सुकून एरिया है, पूरा सुकून। बिलाल भाई बताएंगे। हाँ जी, जानवर जो घूम रहे होते हैं ना रोड के ऊपर यार, ये बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल।